मामला जनपद हमीरपुर के राठ कोतवाली का है। महिला का कहना है कि गांव के देवेंद्र विकास ने उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दे डाला और उनका साथ गांव के हृदय साहू ने दिया है। महिला ने आरोप लगाया कि बीते रात को समय लगभग 2 बजे जब वह वॉशरूम के लिए निकली तो पहले से घात लगाकर बैठे देवेंद्र उसको उठाकर तालाब के किनारे ले गया और मेरे साथ बारी बारी दुष्कर्म किया। वहीं पीड़ित के एक परिवार का कहना है कि उसका लड़का मेहनत मजदूरी करता है और उसके लड़के हृदय को गांव के विकास अपने खेत पर पानी लगाने के लिए ले गया। उसके मोबाइल से उस महिला को फोन करके बुलाया गया, कहा कि रात को आ जाना। मेरे लड़की का नंबर उस महिला के मोबाइल पर पहुंच गया जबकि मेरा लड़का खेत पर पानी लगा रहा था। उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उसका फोन इस्तेमाल किया गया है। फिर रात को लगभग 3 बजे महिला के परिवार के लोग मेरे घर आकर दरवाजा खुलवाया और हमारे सभी घर के लोगों को लाठी डंडों से बहुत मारा पीटा। अगर बात करें महिला के आरोप की तो इस विषय में कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार शुक्ला का कहना है कि जांच का विषय है, जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। बड़ा आसान तरीका हो गया है कि किसी के विरुद्ध मुकदमा लिखवाने का, एक महिला आती है और किसी पर भी छेड़खानी बलात्कार जैसे आरोप लगाते हैं और उस पर बिना किसी जांच के मुकदमा लिख दिया जाता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई व्यक्ति किसी भी लड़की को इतनी आसानी से उठाकर ले जा सकता है? क्या कोई व्यक्ति आधी रात को 2 बजे से 3 बजे के बीच में किसी के लिए घात लगाकर बैठ सकता है? यह सब तो जांच के बाद ही पता चलेगा। इस संबंध में कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है कि कोई भी महिला किसी को झूठे आरोप में ना फंसा सके। जो सच हो उसकी जांच के बाद ही कुछ कार्रवाई हो सकती है। हमीरपुर से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट, SKH न्यूज। रात में 2 बजे करीब फिर बाथरूम करने के बाहर निकले तो देवर ने आके हमें जजती हम मुँह बंद करके उठा के ले गया और तालाब में ले गया देवर ने और विकास ने हमारे साथ दुर्भाग किया, गलत किया दोनों ने। और एक तरह हृदय उसने हमें उनका साथ दिया और मारने की धमकी दे रहे थे हमको, अगर किसी से बोला कुछ तो हमें जान से मार देंगे। जब हमने कहा हमें छोड़ दो, पैर भी पड़े, मामा था, भैया था, तो उसके हाथ पैर भी जोड़े पड़े कि भैया हम मामा छोड़ दो, लेकिन नहीं कह रहे कि हम नहीं छोड़ेंगे, अगर ऐसे छोड़ना है तो पैसा तो हमें देना पड़ेगा, हमें तो छोड़ने में हमारे माँ पैसे तो है नहीं हमारे पास, तो कह रहे ऐसा नहीं छोड़े पहनने हमारे साथ गलत किया था। अब बताओ माँ, और कह रहे थे आज तुम्हारे साथ क्या, अगर तुमने आवाज उठाई तो साथ कल तुम्हारी बहन के साथ कर सकते हैं, तुम जान सकते इतना अनुभव लगा सकते हो, अब क्या कर सकते हैं। कितने लोग थे? 3 लोग, एक तो लेकिन वो सहयोग वाला तो 2 है जो सबसे ज्यादा मजबूर है। क्या किया उन्होंने आपके साथ? उन्हें ने गलत किया, हमारे साथ बलात्कार किया उन्होंने, जबरदस्ती बलात्कार। हाँ, गांव के ही आप? हाँ, गांव के हैं। हाँ, रोपण बना लेंगे।